सत्संग फाउंडेशन के संस्थापक और धार्मिक नेता श्री एम द्वारा लिखित दो पुस्तकों का अनुवाद किए हुए किताबों का अनावरण किया गया। The next book is our best-selling book, Apprentice to Himalayan Master, a Yogi's Autobiography. It was first published in 2011 and was an instant hit. It has been translated. Many people from France, many people from Kerala, and cutting across, so also better to speak in English. Hindi mein bhi bol sakte hain aaram se. Jo hai ye hamari atma katha jo autobiography hai uska Assamese mein translation hua hai, to wo aaj release ho raha hai. Ye meri atma katha jaisa maine Kerala se 19 साल की उम्र में हिमालय गया और हमारे महेश्वरनाथ बाबा जी जो हमारे गुरु हैं उनको मिला और ये टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ में हुआ, तो उसके बारे में है। और पहले बार आसामीज में, बाकी तो सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गई। होम कमिंग एन अदर शॉर्ट लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया, अभी आसामीज में अभी हुआ है। ऑटोबायोग्राफी की बात है तो दूसरी बंगला में किया गया शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि मैंने पैदा हुआ केरल में और वो जो कम्युनिस्ट जगह है, स्टेट है, और पैदा हुआ एक मुसलमान परिवार में और फिर योग की तरफ चला गया और हिमालय चला गया। यही एक जर्नी है हमारी यात्रा। यह कार्यक्रम कोलकाता के ICCR के सत्यजीत रे सभागार में किया गया। श्री एम द्वारा लिखित होमकमिंग एंड अदर स्टोरीज का बंगाली और आत्मकथात्मक पुस्तक अप्रेंटिस टू ए हिमालयन मास्टर का असमिया में अनुवाद किया गया है। इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत का भी आयोजन किया गया था। मदरे दानी मा, मदरे दानी दा, मदरे दानी दा, मदरे दानी दा।